बस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। औरंगाबाद के एक निजी स्कूल में एक ही क्लास की आधा दर्जन से अधिक छात्राएं गुरुवार को क्लासरूम में ही अचानक से बेहोश हो गई। अचानक एक एक कर सात बच्चियां बेहोश होने से विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बच्चियों की स्थिति देखकर कक्षा में मौजूद कई अन्य छात्राएं भी रोने लगी। आनन फानन में छात्रों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों को ऑक्सीजन और कुछ को सामान्य थेरेपी देकर उनका इलाज किया गया। इलाज के बाद स्थिति में सुधार है, लेकिन अभी छात्राएं इलाजरत हैं। चिकित्सकों ने बताया कि छात्राएं डर से बेहोश हुई है। अब यह स्कूल प्रबंधन ही बता सकता है कि छात्रों में डर की वजह क्या रही होगी। वहीं प्रधानाध्यापक सुशील कुमार से बात की गई तो उन्होंने विद्यालय की सफाई व्यवस्था में कहा कि किसी भी प्रकार की कमी से इनकार किया और प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त मात्रा में पंखे होने की बात को प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे घबराकर अन्य बच्चियां बेहोश हो गई। दो लड़कियों की तबीयत पहले से ही खराब थी, उन्हें सीजनल सर्दी खांसी की शिकायत थी। इसी वजह से इन्हें देखकर अन्य छात्राएं भी बेहोश हो गई। स्कूल की सारी व्यवस्थाएं ठीक है। सभी बच्चे, हमारे अनुभव से लग रहा था कि उसको स्कूल में डरा हुआ महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे बता रहे थे कि अचानक हम लोग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कोई बच्चा बोल रहा है पेट दुखा रहा है, कोई माथा दर्द बोल रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, कमजोरी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऐसी सेम समस्या लेके सभी बच्चे बारी बारी से आए थे। हम लोग यहाँ इलाज किए, बच्चा सब कंट्रोल है। अब समस्या वहाँ पर क्या है हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक स्कूल में कई बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोगों को उस स्कूल की स्थिति को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों अचानक बच्चे इतने बीमार हो गए। कुछ बात वहाँ ज़रूर जानकारी लेने की ज़रूरत है कि बच्चे वहाँ टीचर से बात करना चाहिए कि वहाँ क्या समस्या तो नहीं है कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि बारी बारी से बच्चे बीमार अचानक क्यों हो जाए, जबकि न कुछ खाया है न पिया है, नॉर्मल घर से गया है खा पी के। तो बाकी बच्चे ठीक हैं, लेकिन अब क्यों ऐसा हो गया ये कहना मुश्किल है। बट हमारे यहाँ सभी बच्चे आए बारी बारी से, सांस तकलीफ, सांस लिया जा नहीं रहा है, कमजोरी है, यही समस्या है। अब इसमें हम लोग ने इलाज किया, सब बच्चा ठीक है। कितने बच्चे होंगे यहाँ? सात भर्ती है, छः सात भर्ती है भाई हमारे यहाँ जो आया, छः सात, दो इधर, दो दो चार, पाँच छः, सात है, छः या सात है। सर आपको क्या लग रहा है कैसे हो सकता है? इससे भी हो सकता है ऐसा बच्चा में हम लोग जिसे देखिए अचानक इस तरह की चीज होने में हम लोग ऑलवेज महसूस करते हैं कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे डरे हुए हैं और डरने से इस तरह की अचानक हो जाती है। एक नॉर्मल बच्चा क्लास में बैठा है और अचानक सांस तेज हो जाएगा, ये बिल्कुल डर का कुछ दिमाग में उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ डर जैसा लग रहा है। मेरा शक है कि थोड़ा वो बच्चा लोग डरा हुआ है। बच्चों की तबीयत खराब थी पहले से ही, जो सीजन चेंज हो रहा है, सर्दी खांसी का बुखार का तबीयत खराब था दो बच्चे का, और देख करके एक दूसरे से भयभीत होकर के बच्चे जो है ना उनकी तबीयत खराब हुई। तो क्या आपके यहाँ व्यवस्था ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, चेक किया जाए, हमारे यहाँ जाँच किया जाए, देखा जाए। डॉक्टर का कहना है कि किसी भय से वो लोग तबीयत, भय से एक दूसरे को बच्चों को देख करके भयभीत हो गए। पंखा है लेकिन स्लो चलता है, बच्चे का रोग है, बच्चों को एक दूसरे को देख करके भयभीत हो गए। बच्चे का रोग है कि आपके क्लास में स्कूल में पंखा है लेकिन स्लो चलता है, प्लस गंदगी हवा नहीं देता है, प्लस गंदगी। अभी हमारे आठ वो पंखा अभी इसी रखा हुआ है। आप स्कूल चलाएंगे है ना, चाहेंगे कि हमारा स्कूल का पंखा स्लो चले और गंदगी रहेगा? चाहेगा कि बेटर से बेटर व्यवस्था ना दे ना, ना आप जैसे उकार दिया, उकार दिया हम सुन लिए, जिसे वो तो कुछो कह देगा, हम सुन लेंगे उसकी बात को, जिसे वो कहेगा और हम सुन नहीं ना लेंगे जिसे। वहीं अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर ही आरोप मढ़ डाला। अभिभावकों का कहना था कि विद्यालय की कक्षाओं में सुनिश्चित हवा का ना तो प्रबंध है और ना ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, इसी कारण उनके बच्चे बेहोश हुए हैं। बच्चे लोग बता रहे थे कि ना वहाँ फैन की व्यवस्था है, वॉशरूम गंदा रहता है, क्लास गंदा है, न पीने का पानी स्वच्छ मिलता है। केवल डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाने से नहीं ना होगा, जो क्लास के संचालक वो रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि किस तरह के हमारे 5 दिन पहले भी इस तरह के केसेस आया,
फिर दोबारा आखिर वही स्कूल में क्यों हो रहा है इस तरह की बात? आपको क्या लग रहा है कि इसको लापरवाही है? लापरवाही जो मेन प्रिंसिपल है उनको है, इनमें टीचर लोग की क्या है भाई? ये लोग पैसा लेते हैं, अपना वर्क करते हैं, जो ये स्कूल चला रहे हैं, जो ये स्कूल के ओनर हैं, उनको ये लापरवाही है ना। क्या हुआ है? अभी कुछ नहीं, अभी ये ऑक्सीजन लगा तो कुछ अच्छा लग रहा है। अचानक कैसे हुआ ये? बस परिणीता बहुत ऐसे करने लगी थी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।